Good morning, class. Good morning. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you, ma'am. I'm fine, ma'am. Okay, good. Hello, Arjit, Parth, Akshas, Vaisnavi, Akrishi, Vidisha, Sohar, Vedang, Parth, and Akshas also. Okay, so. आज ना आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनो क्या हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो आज हम बताने जा रहे हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम आपको, अभी तक आपने इसे नहीं पढ़ा है। सिर्फ लिटरेचर लैंग्वेज में कुछ चीजें आप लिटरेचर में आपने चैप्टर पढ़े हैं, या तो आपने कविता पढ़ी है या तो कहानी पढ़ी है ना। तो आज हम आपको लैंग्वेज पार्ट में कुछ बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ध्यान से सिर्फ बैठो और सुनो, ओके। राइटिंग का काम हम बाद में देंगे, हम आपको बता देंगे। सबसे जरूरी है आपका समझना। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो लिखने से कोई फायदा नहीं है उसे, ओके। क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस और नो? यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो वेदांग, सुहार, प्रांचल, इनको आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो ईरा, हेलो ईरा, अक्षज, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना? तो बेटा वीडियो ऑन करके रखो। सुहार, वैष्णवी, शुभ एंड पार, वीडियो ऑन रखो, ठीक है। आप लोग सुहाग, आप अच्छे से बैठो और वीडियो ऑन रखो बच्चा। ओके क्लास, अच्छा ठीक है। आप ये बताओ। यस बेटा। मैम हमें हिंदी, हमें हिंदी वाले प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी बनानी है क्या? हम गौरांगी डिस्कस कर चुके हूँ, कई बार बता चुके हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। आप बाद में व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ओके। गौरांगी कई बार बता चुकी हूँ, पूरी क्लास को बता चुकी हूँ, बताऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे हाथ में क्या है? किताब। हिंदी में, हिंदी की क्लास है तो हिंदी बात करोगे ना। तो ये क्या है मेरे हाथ में? किताब है ना। तो किताब को और क्या कहते हैं? किताब को किसी किताब ही कहते हैं क्या? किसी को पता है इसे और क्या कह सकते हैं? किसने बताया? यस, तो इसे हम किताब भी कह सकते हैं, इसे हम पुस्तक कह सकते हैं, मतलब इसको एक से ज्यादा नाम से हम बुला सकते हैं। जरूरी नहीं, अगर हम किताब कहते हैं तब भी ये किताब है, अगर हम इसे पुस्तक कहते हैं तो भी ये पुस्तक है, ओके। हम आपको कुछ वर्कशीट शेयर कर रहे हैं, वर्कशीट ध्यान से देखो, ओके क्लास, वन मिनट। मैम इसे अभी करना है।
माँ खाना बनाती मैम इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश से बनाती है बाल होता है राम छूता है कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरी बात सुनना है, बस कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मेरी बात सुनो एंड आप अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लो, आप अनम्यूट कर ले रहे हो और सारी वॉइस मुझे आती है, जैसे सुख प्रांचल, जब आपको बात नहीं करनी है तो आपने क्यों अनम्यूट करके रखा हुआ है, म्यूट करके रखो, सिर्फ आपको सुनना है, जब आप सुनोगे ध्यान से तो उसके बाद मैं वर्कशीट दूंगी जो आपको अपने आप करना है, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, इसलिए ध्यान से अभी जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, या मैं कहूँ गांधी जी सदा सच बोलते थे, तो सत्य और सच एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक दूसरे के सेम अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं कहूँ ईरा पुस्तक पढ़ती है, ईरा पुस्तक पढ़ती है, अगर हम पुस्तक की जगह कहते हैं ईरा किताब पढ़ती है, तो पुस्तक और किताब एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब समान अर्थ वाले शब्द हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो चाहे आप किताब को हो चाहे आप पुस्तक को हो, तो समान चीज हुई, मतलब एक दूसरे के पर्याय हैं।
अगर हम आपसे कहते हैं कि आकृषि रोज स्कूल जाती है या आकृषि रोज पाठशाला जाती, तो दोनों में कोई अंतर है? पाठशाला और स्कूल में कोई अंतर है? क्लास कोई अंतर आपको लगता है कि स्कूल और पाठशाला में कोई अंतर होगा? नहीं ना। एक वर्कशीट आप और एक वर्कशीट में आपको और दे रही हूँ, ध्यान से देखो उसे, ठीक है? ये देखो क्लास, आपकी स्क्रीन पे जो वर्कशीट है, चित्र देखकर शब्दों का समान अर्थी शब्द चुनकर सही जगह तक खींच कर लाओ, मतलब सही जगह पर लिखो। जैसे सबसे पहले आप हमें एक वन बाय वन पूछेंगे, आप बताना सबसे पहले क्या लिखा। आकृषि, हेलो आकृषि, आकृषि बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, आकृषि अनम्यूट योरसेल्फ, क्लास टू लिसन केयरफुली, जिसका नेम लेंगे सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और वो बताएंगे। अगर मेरी वॉइस नहीं, हेलो आकृषि, हेलो गौरांगी, गौरांगी आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। तो गौरांगी सबसे पहले देखो ये कर्सर जहाँ ले जा रही हूँ, ये क्या है, क्या दिख रहा है? मैम प्लीज तो लगे ना, किस चीज का, किस चीज का चित्र बना हुआ है? सबसे पहले जो चित्र क्या बना हुआ है, वर्कशीट नहीं दिख रही है क्या क्लास? तो गौरांगी मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, जो पहला चित्र दिख रहा है ये चित्र क्या है? मैम किस चीज, मैम क्या है, वर्कशीट नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैम वर्कशीट दिख रही है, मैम वर्कशीट। हेलो गौरांगी आपको वर्कशीट दिख रही है? नो मैम नहीं दिख रही है। ये देख, अच्छा वन मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं दिख रही होगी, बट देखो सबसे पहले अगर पेड़ है, अगर नहीं दिख रही तो जो मैं बोल रही हूँ बेटा, वर्कशीट कैसे नहीं दिख रही है? मैं शेयर कर रही हूँ, वर्कशीट दिख रही है, आपको कैसे नहीं दिख रही है? हेलो सुहाट, वर्कशीट दिख रही है आपको? स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है। यस दिशा मैम, एक मिनट, क्लास टू प्लीज मेंटेन साइलेंस, लेट मी टॉक। अंजुमा आपकी स्क्रीन दिख रही है जिसमें आपकी बहुत सारी वर्कशीट हैं समानार्थी की, लेकिन वो अभी क्लिक नहीं खुली है, ओपन नहीं हुई। ओके मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम, स्क्रीन को पहले स्टॉप करिए। मैम कर लिया है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। तो आप मुझे वन मिनट क्लास शेयर कर ले रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। ओके ओके मैं सेंड कर रही हूँ। ओके क्लास, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं दिशा मैम को दे रही हूँ। ओके आपको अपनी सेटिंग में जाके स्क्रीन शेयरिंग ऑन करनी पड़ेगी सबके लिए, तभी मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी मैम। वन मिनट, जूम की सेटिंग मैंने सेट कर दिया है। ओके हाँ मिल गया मुझे, मैं डाउनलोड कर ले रही हूँ, आप मुझे तब तक और बेसिक वो कर दीजिए। ओके ओके कर दिया है मैम, जैसा मैम मैंने कर दिया है, आप ट्राई कर लीजिए, वन बाय वन वर्कशीट आप शेयर करिएगा। ओके क्लास, जैसा मैम शेयर कर रही हैं, वन मिनट वेट। ओके
तो सबसे पहले मैं जो बता रही थी, अगर स्क्रीन नहीं भी दिख रही है तो आप मुझे ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो उसमें चित्र दिख रहा था एक वृक्ष का, मतलब पेड़ का दिख रहा था, चित्र था पेड़ को। जैसे अगर हम एक पेड़ लेते हैं तो पेड़ के और कितने नामों से हम बुला सकते हैं? वृक्ष। कम से कम एक नाम आपको बताना था। तो अगर हम उसे पेड़ कहते हैं तो उसे और क्या कहते हैं? वृक्ष। यस, उसे हम वृक्ष भी कहते हैं। इसी तरह अगर दूसरे स्क्रीन पे जो था वो भोजन, भोजन, भोजन को और क्या कहते हैं हम? खाना कहते हैं, है ना? राम भोजन करता है या राम खाना खाता है? हाँ, तो राम भोजन करता है या राम खाना खाता है? तो क्लास भोजन और खाना एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब सेम चीजें हैं, इक्वल चीजें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दोनों शब्दों को चाहे आप भोजन कह लो चाहे आप खाना कह लो, वो एक जैसी चीज हुई। क्लास दिशा मैम शेयर नहीं हो रही क्या? एक मिनट। ओके, वैसे ही अगर हम किसी को कहते हैं लड़का, लड़का सिर्फ लड़का ही नहीं कहते हैं, उसे और कई नामों से हम बुला सकते हैं। नो मैम। हाँ यस। ओके क्लास, देखो स्क्रीन पर देखो एक और वर्कशीट है, समान अर्थ वाले शब्द हैं, ठीक है? मतलब एक ही शब्द को समान चीज होती है। जैसे पहला दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है सबको? दिख रही है ना? तो देखो सबसे ऊपर लिखा है समान अर्थ वाले शब्द लिखें। सबसे पहले लिखा है पानी, पानी को और क्या कहते हैं? बेटा क्लास टू लिसन, नेटवर्क इश्यू अगर होगा तो आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, डू नॉट पैनिक, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। दिस इज फोन, दिस इज ऑनलाइन थिंग, दिस इज नॉट क्लास की मैम वर्कशीट में प्रिंट नहीं आया है, ठीक? यू हैव टू मैनेज इट। और वैसे भी ये वर्कशीट पोर्टल पे आई जाएंगी ना? ओके क्लास, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं उसे, आपको बता रहे हैं, सिर्फ आप सुनने में ध्यान दो, ध्यान दो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है। हेलो क्लास, तो दूध, पानी, पानी को और हम क्या कह सकते हैं? जरा बताना, पानी को और आप क्या कह सकते हो? जल। तो पानी और जल एक दूसरे के पर्याय हुए, मतलब यस यस सुन लिया। ओके, तो पानी और जल एक चीज है, एक दूसरे के पर्याय है, चाहे पानी कहो चाहे उसे जल कहो। दूसरा देखो लिखा हुआ उपवन, उपवन, उपवन मतलब बपोन को और क्या कहते हैं? बगीचा। यस गौरांगी, गुड। यस गुड, तो हम उपवन को बगीचा भी कहते हैं, ठीक है? चाहे हम उपवन कहें चाहे उसे बगीचा कहें। तीसरा देखो लिखा है तीर, तीर पता है आप लोगों को? नहीं, धनुष पर जो तीर चढ़ाते हैं, तीर, धनुष तो एक आकार होता है ना, उस पर तीर चढ़ाते हैं ना, तो उसे और क्या कहते हैं? धनुष और धनुष के साथ और क्या क्या कहते हैं? यस पार्थ, यस पार्थ, यस बाढ़ कहते हैं। तो चाहे हम उसे तीर कहें चाहे उसे बाढ़ कहें, एक जैसी चीजें हैं, मतलब बराबर की चीजें हैं। अच्छा दूसरा, ओके क्लास, आगे देखो, आगे लिखा है बादल, आगे लिखा है बादल। अब बताओ बादल और आसमान अलग अलग चीजें हैं? आसमान और बादल अलग अलग चीजें हैं। यस, घटा, घटा कहते हैं। किसने बताया? प्रांचल ने। हाँ। ओके ईरा, गुड, ठीक है।
तो मतलब एक शब्द को कई और नामों से हम बुला सकते हैं, जरूरी नहीं है उस शब्द का एक ही नाम हो, कई और भी नाम होते हैं। अभी तो आप एक एक नाम या दो दो नाम बता रहे हो, बट इसके और भी नाम होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक एक नाम ही समझना है, एक एक नाम और जानना है, ठीक है? ग्रामर नहीं, इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने के लिए है, अभी कुछ नहीं करना है, लिखने के लिए मैं आपको बताऊंगी, ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको आपको सिर्फ समझना है, ओके? हाँ दिशा मैम, दूसरी सीट आप वर्कशीट आप शेयर कर दो। इसी तरह से और भी सीट हैं, और भी अलग तरीका हैं, मैं उन्हें आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो और भी तो अभी आपको समझ में आया? समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मतलब समान अर्थ वाले या एक समान जो अर्थ होते हैं, जो एक दूसरे को पर्याय होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो समानार्थी शब्द है, ठीक है? क्या टॉपिक है आज का? समान अर्थ शब्द, समान अर्थ शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ या अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द, ओके क्लास। इसको एक चीज और भी कहते हैं, इसे पर्यायवाची भी कहते हैं। मैम पर्यायवाची, यहाँ से आवाज आ रही है, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, जिसको बात करनी है वही सिर्फ अनम्यूट करेगा बस, ओके? क्योंकि बहुत आवाजें आने लगती हैं आपके यहाँ से, ओके क्लास? तो हम आज आपको जो बता रहे थे वो समान अर्थी वाले शब्द बता रहे थे, ओके? और भी सीट हैं, मैं आपको और भी बता रही हूँ, और भी देखो आप सिर्फ ध्यान से देखना है आपको बस। एक और सीट आपको दिख रही है? यस मैम, यस मैम। इसमें आपको क्या दिख रहा है? मैम पेड़। यस, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताओ, वेदांत बताओ क्या लिखा है? वृक्ष, वृक्ष नहीं, वृक्ष, री की मात्रा है, री की। अर्जित वृक्ष, अर्जित वृक्ष को और क्या कहते हैं दूसरे, और किस नाम से हम बुलाते हैं? यस गुड अर्जित। सोहार, सोहार, हेलो सोहार, दूसरे नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर देखो लिखा है भोजन, जो कि आप करते हो सुबह दोपहर शाम, तो भोजन को और क्या कहते हैं सोहार? खाना। कोई और बताता है क्या आपको? कितनी बार कहा आप अपने आप अपने काम किया करो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी और का हेल्प लेते हो, आप कर सकते हो फिर भी दूसरे का हेल्प लेते हो, ये सही बात नहीं है, ओके? ओके सुहाग, नेक्स्ट है मुझे बताएंगे विदिशा, विदिशा, हेलो विदिशा। यस मैम। आप बताओ नेक्स्ट वाले चित्र में आपको क्या दिख रहा है, भोजन के बाद आपको कौन सी चित्र दिख रही है? विदिशा जल्दी से बेटा, जल्दी से बताओ और आपको क्या दिख रहा है? यस विदिशा, चित्र देख के बताओ, चित्र में क्या दिख रहा है बेटा? कुछ और ना छोड़ दो, पढ़ना नहीं आ, पढ़ना भी छोड़ दो, सिर्फ चित्र बताओ, चित्र किस चीज का बना हुआ है? अक्षर, हेलो अक्षर, अक्षर, हेलो अक्षर, अक्षर शायद आवाज नहीं जा रही, हेलो आने हैं क्या? मैम विदिशा, यस मैम,
दिशा मैं आपसे पूछ रही थी किस चीज का चित्र नंबर थर्ड पर किस चीज का चित्र बना हुआ जरा आप बताओ।